ये तो हम लोग को सबको मालूम है कि काली विद्या वगैरह लोग करके दूसरों को आकर्षित करके मेस्मराइज करते हैं, ये सबको मालूम है। ये सब मालूम होते हुए भी हिंदुस्तानी क्यों इस चक्कर में आते हैं गुरुओं के, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। और सब साधुओं ने बता दिया, नानक साहब ने तो पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है कि गुरु को कैसे पहचाना जी। देहरादून में भी बीमारी है क्योंकि आते ही साथ में समझ गई, यहाँ बाप रे नेगेटिविटी इतनी अगर आ जाएगी, कल आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, आपका क्या हाल होगा, आपके बिजनेस कैसे चलेंगे, आप लोग कुछ भी नहीं सोचते, तांत्रिकों के पीछे लग गए। एक माँ के नाते में जी घबरा जाता, इतने बढ़िया लोग आप, पूर्व जन्म के अनेक पुण्यों की वजह से इस देश में आपका जन्म, और अब आप जब खोजने जाते हैं तो ऐसे दुष्टों के पास कि जिनके बारे में कुछ मालूम आती नहीं। तीसरे मैंने रजनीश जैसे गंदे आदमी को पनपते देखा उस कुरुक्षेत्र में, इतना गंदा आदमी है, उसमें तो कोई नीति नहीं, जैसा मरा है मैं जानती हूँ, खुद एड्स हो के मरा, ऐसे गंदे आदमी के पीछे में लोग भागते हैं, ये एक समझने की बात है। हो गए जो गुरु, गुरु नानक साहब हो गए, उन्होंने इतना बताया वो तो सुना नहीं, और कितने ही ऐसे अच्छे गुरु हो गए, कबीर हो गए हैं, महाराष्ट्र में भी इतने अच्छे गुरु हो गए, इतने बढ़िया गुरु हो गए, इतने महान गुरु हो गए, उनकी तो किसी की बात सुनी नहीं, और ये फालतू लोगों के पीछे में घूमना जो आपसे पैसा लेते हैं, क्या आप भगवान को खरीद सकते हैं? इसी बात से मुझे घबराहट होती कभी कभी कि ये भारतवर्ष का बेड़ा गर्क है। जब बड़े बड़े लोग ऐसे मशहूर आदमी के पीछे में भागते हैं जो मशहूर है, तो इस देश का क्या होगा, और यहाँ की गरीबी जाएगी कैसे? जहाँ ये काली विद्या आई वहाँ गरीबी आनी चाहिए। अब तो शराब भी बहुत पीने लग गए, चलो वो भी इससे बेहतर, उससे तो आसानी से छूट जाएंगे। सहज योग में जब आत्मा का आपको दर्शन होगा, आप समझेगा कि आप कितने महान, कितने गौरवशाली, कितने ऊंचे व्यक्ति। इसको अभी आप जानते ही नहीं कि आप चीज क्या है। समझ लीजिए कि किसी जंगल में एक आप टेलीविजन लेके जाएं और उनसे कहें कि ये डब्बे के अंदर, डिब्बे में आपको बड़ा चमत्कार दिखाई देगा और ये इसमें फिल्में दिखाई देंगे। वो कहेंगे भाई ये क्या डिब्बा लाए हो और ये डिब्बे में कैसे हो सकता है? पर जैसा ही उसका कनेक्शन मेन से लग जाता है तो आप देखते हैं उसमें क्या क्या चमत्कार होता है। इसी प्रकार आपका जब कनेक्शन उस ब्रह्म चैतन्य से लग जाता है तब आप देखते हैं कि आप क्या कमाल के आदमी, आप में कितनी शक्तियाँ, और ये सहज में प्राप्त होती है। लेकिन आपके चक्कर ही ऐसे हैं कि आप ऐसी ही जगह जाना चाहते हैं जहाँ आप लुट जाएं, जहाँ आपकी तंदुरुस्ती चौपटा जाए। ये राधा स्वामी के कितने लोगों का हार्ट में, ठीक है, हार्ट अटैक से तो वो भी मरा और उनके लोग भी मरते हैं। मैं साफ कहना चाहती हूँ, आप पता लगाइए कि इनके कितने लोग हार्ट से मरे, कोई पता तो लगाए। अंधश्रद्धा में वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि कह लें बड़ा भारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने कहा आप उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आपको कितना पैसा मिलता है वहां से ऑर्गेनाइजेशन से, आप किस सिलसिले में उसके लिए लड़ रहे हैं, आपको क्या मिला। तो पहली चीज आपको ये सोचना चाहिए कि जो आदमी गुरु की बात करता है, तो नानक साहब ने साफ साफ कह दिया गुरु वही जो साहिब मिली है, साहिब मिली है माने जो परमात्मा से आपको मिलाता है वही गुरु है, और किसी को गुरु नहीं माना, साफ साफ कह दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है
कि ये लोग पैसा कमाते हैं और पैसे के बूते पर लोगों को पता नहीं कैसे खरीद लेते हैं। जैसे न्यूज़पेपर वाले, उनको खरीद लिया, और न्यूज़पेपर वालों में भी कोई ये अंदर से विचार नहीं, कोई रहम नहीं कि ये इतने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, कोई तो सच्ची बात लिखे। अगर हमारे पास आएंगे तो लिखेंगे वहाँ कारपेट बिछी थी, वहाँ ये था वो था। अरे भाई, ये कोई मेरी कारपेट है? अगर मेरे पास है कारपेट तो मैं बिछा लूँ, तो मैंने आपका क्या ले लिया? और जो पैसा देगा उसकी तारीफ, जो पैसे पे झुक गए हैं लोग, ये पैसा जैसे और देशों को उन्होंने बड़ी ऐसे गर्त में डाल दिया है रिसेशन के कि अब उठ नहीं सकते, ये पैसे का चक्कर कभी सुख दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। कभी आनंद दे सकता है? नहीं। पैसे के इस पर लड़ाई झगड़े ये वो, ये बड़ी गलत फहमी है कि पैसा जुट जाने से हम बड़े सुखी हो जाएंगे। मैंने तो किसी को नहीं देखा। पर जिसमें सभी कुछ मिलता है उस आत्मा को क्यों न प्राप्त कर ले? सभी तरह के आशीर्वाद, हर तरह के, उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। ये जब सबको मिलता है तो क्यों नहीं इसे मान ले और इसे प्राप्त करो? पर सबसे जो बात मैं देखती हूँ कि संवेदनशीलता जो परमात्मा की तरफ होना चाहिए, आध्यात्म की तरफ होना चाहिए, वो बहुत ही घट गई है। मनुष्य में संवेदन नहीं, वो महसूस नहीं कर सकता कि कौन आदमी चोर है और कौन आदमी चोर नहीं, वो समझ नहीं सकता। ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। जब अपने यहाँ इतना धर्म, भगवान ये है, वो रशिया को देखिए, यहाँ भी आए हुए हैं, जहाँ को जहाँ पर कभी किसी ने भगवान का नाम भी नहीं, सच कहती हूँ, जहाँ कोई धर्म नहीं, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, उनकी कमाल ये, मेरे तो समझ भी नहीं आया कि उन्होंने सारे गुरुओं को मार भगाया, कोई वहाँ टिका नहीं। और मेरे लिए तो ऐसा इंतज़ाम है कि एक एक गांव में कहीं कहीं 20-22 हज़ार सजोगे, ये कैसे होगा? क्योंकि इनके यहाँ पैसे का चक्कर नहीं था, मटेरियलिज्म नहीं था, इसके बारे में सोचने को उनको समय नहीं था। उल्टी बात अमेरिका की है, अब पैसा मिल गया, अब क्या करें, इसको कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें। अच्छा, अब एक साहब हम अमेरिका गए थे, आपसे बता दें क्योंकि आप लोग तो जाएंगे नहीं, न जाएं कभी, बेकार की जगह। तो बड़े रईस आदमी थे, मुझे कहने लगे कि माँ मेरे घर आओ, बहुत ज़िद की, तो मैंने कहा चलो। वहाँ गए तो कहने लगे कि देखिए मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने ये बनवाया वो बनवाया, ऐसा वैसा सब दिखाए। तो कहने लगे जब बाथरूम में आप जा रहे हैं तो संभल के जाइए। मैंने कहा क्यों? उसमें ऐसा एक बटन है, उसको अगर आप दबा दीजिएगा तो आप एकदम से स्विमिंग पूल में चले जाएंगे। ये कमाल है ऐसी। मैंने कहा मुझे इस बाथरूम में नहीं जाने का भाई, मुझे एक सीधा सादा हो, मैं देहाती इंसान हूँ, मुझको ये नहीं चाहिए। दूसरा उन्होंने पैसा लगाया, कहने लगे ये पलंग है, इससे आप चाहें तो आपके पैर ऊपर हो जाएंगे, सर ऊपर हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, आपका शरीर हिलता नहीं क्या, ये काहे के लिए सर पैर ऊपर करने वाला? फिर मैंने कहा मैं ज़मीन पर सो जाती भाई, मेरे मुझे नहीं चाहिए। इस तरह के इन लोग अपने पैसे लगाते हैं, बेवकूफ़, इतने महाबेवकूफ़ लोग हैं, क्या बताएं इन लोगों की बेवकूफ़ियाँ, बहुत एडवांस्ड बेवकूफ़ी में। आपने सुना होगा एलिजाबेथ टेलर की बात कि 8 शादियाँ करी देवी जी ने, ऐसे औरत के हम लोग शक्ल नहीं देखे। वहाँ 4-5 हज़ार लोग जाके पहुँचे, और उसकी जो इसलिए कि वो अब हनीमून में जा रही तो उसे देखे, एक किसी उसने बेचारे लेबरर से शादी कर लिया अपने से 20 साल छोटे से, तो बड़ा भारी काम कमाल किया, वाह वाह वाह।
तो सब पहुंच गए, 3-4 हज़ार लोग, और देखने ही नहीं ऊपर से हेलीकॉप्टर 10 वहाँ घूम रहे थे, और उसमें से लोग कैमरा लेकर पैराशूट से नीचे उतर रहे थे, कोई पेड़ पे गिर गए, कोई लोगों पे गिर गए। ऐसे बेवकूफ़ी के अपने यहाँ 4 आदमी भी नहीं मिलेंगे, इतनी अकल है, अकल बहुत है, लेकिन अपनी अकल रखें, दूसरों से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ तो गुरुओं ने ऐसे रुपए बनाए हैं कि बस कुछ पूछे नहीं, जिससे पूछे उसके पास में 10 करोड़ है, उसके पास 50 करोड़ है, उसके पास में इतना रुपया है, और मरे कैसे पूछे तो तड़प तड़प के मर गए, और अब उनकी सबकी पोल पट्टियाँ निकल रही। जिन लोगों ने उनको रुपया दिया वो रास्ते पे पड़े हैं, उनके बच्चे बेचारे स्कूलों से निकाले गए, खाने को नहीं पीने को नहीं। हिंदुस्तानी लोगों की बात कर रही हूँ, गए जो इतने ऐसे अकल हैं किस तरह से किसी को बेवकूफ़ बनाना चाहिए। और इस देश में ही अपने यहाँ कितने महान लोग, एक से एक किसका नाम ले और क्या करें। 1942 में हमने भी बहुत काम किया था, और जब तक स्वतंत्रता नहीं हुई तब तक लड़ते रहे, और हमारे खानदान के सभी लोग, देखा उस वक़्त के सभी लोग ऐसे थे, और आज वो यहाँ नहीं देखने के लिए कि हमने अपनी स्वतंत्रता में क्या कर दिया। इसका संबंध हर एक चीज़ से, अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल लाइफ है, उससे है, अपनी जो पॉलिटिकल लाइफ है उससे है, सब चीज़ों से इसकी संबंध है। क्योंकि संसार के जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी तकलीफें और विपदाएं हैं, वो अधिकतर मनुष्य के कारण है। अगर मनुष्य ठीक हो तो कोई प्रश्न न खड़ा हो, और अगर उसको एकमेव सत्य पता चल जाए तो झगड़ा किसका बात का, वाद विवाद आर्ग्यूमेंट किसके, जब सभी लोग एक ही चीज़ देख रहे हैं। अब हम आपके सामने बैठे हैं, सब देख रहे हैं, अब इस पर कोई झगड़ा करेगा कि नहीं, माँ है ही नहीं है। अब जब सभी एक ही आँख से एक ही चीज़ को देख रहे हैं तो कौन झगड़ा करे। लेकिन अगर आपकी आँखों से आप एक चीज़ उधर देख रहे हैं, एक चीज़ उधर देख रहे हैं, एक चीज़ उधर देख रहे हैं, फिर लगे लड़ने। तो जब तक ये घटित नहीं होता तब तक हमारा लड़ाई झगड़ा करना छूटेगा नहीं, युद्ध छूटेंगे नहीं, बातें करेंगे शांति की। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनको शांति का अवार्ड मिला है, इतने गर्म मिजाज और ऐसे लोग हैं कि उनसे आप दूर से ही बात करिए, ना जाने कब झपट्टा मार के पकड़ लें। ये कहने की बात कि इनको शांति का अवार्ड मिला, जिसके हृदय में शांति नहीं, प्रेम नहीं, वो इंसान क्या शांति का अवार्ड लेगा। लेकिन जो बहुत ज़रूरी बात समझने की हुई है कि हम अभी समर्थ ही नहीं है। बहुत से लोग चाहते नहीं कर, वो उससे निकल नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं है कि जिसके पूते पर खड़े हो। अब यहाँ जो ये लोग बैठे हैं यहाँ पर परदेशी लोग, अच्छा है कि अपनी भाषा नहीं समझते, इसमें से कम आधे लोग ऐसे थे कि जो बहुत बुरी तरह से शराबी और ड्रग्स लेते थे, रईस लोग हैं, जितने रईसों के लक्षण थे इनमें थे। लेकिन एक रात पार होने के बाद इनकी दुनिया बदल गई। तो उस पर उदाहरण ऐसा देते हैं कि हम एक जिंदी इंसान है और हमारे हाथ में सांप है और अंधेरा, और हम सोचते हैं कि ये डोर, और अगर आप कहते हैं कि ये डोर नहीं और ये सांप है, हम तो नहीं छोड़ने वाले जब तक वो काटेगा नहीं तब तक। लेकिन ज़रा सा भी प्रकाश हमारे अंदर आ जाए, फौरन हम उसे छोड़ देते हैं। इसी प्रकार सब चीज़ छूट जाती, परेशानियाँ भी छूट जाती। सारे संसार का जितने दुख है, मैंने अभी बताया आपसे, वो मनुष्य के कारण है,
और मनुष्य के जितने भी प्रश्न हैं या तकलीफें हैं वो उनके चक्रों के कारण।